और अब बात हम करेंगे चीन के उस प्लान की जिसका खुलासा सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए हुआ है। ये वो प्लान है जिसके जरिए शी जिनपिंग और उनकी सेना अमेरिका के वर्चस्व को समाप्त करना चाहती है। चीन अपनी विस्तारवादी नीति के तहत समुद्र में हर फ्रंट पर अमेरिका को घेरना चाहता है। इसके लिए ड्रैगन तेजी से अपनी समुद्र शक्ति बढ़ा रहा है। चीन अब ऐसा रहस्यमय एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है जो दुनिया में अपनी तरह का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। अमेरिका की समुद्र शक्ति को चुनौती देने के लिए चीन छटपटा रहा है। अमेरिकी नौसेना को पीछे छोड़ने के लिए ड्रैगन पूरी ताकत लगा रहा है। जिनपिंग अमेरिकी वर्चस्व को समाप्त करने के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं जो उनके वश में है। अमेरिकी नेवी को टक्कर देने के लिए चीन अब नए प्लान पर काम कर रहा है। चीन रहस्यमय एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है। चीन के इस प्लान का खुलासा प्लैनेट लैब के सैटेलाइट तस्वीर से हुआ है। यह है वो सैटेलाइट तस्वीर जिससे पता चला है कि चीन खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण गुआंगडोंग के शिपयार्ड पर हो रहा है। प्लैनेट लैब ने यह तस्वीर 23 अक्टूबर को ली है। तस्वीर से साफ है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर की बनावट और आकार बहुत अलग है। ये चीन के दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर से बिल्कुल अलग है। चीन के इस रहस्यमयी एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में अभी ज्यादा कुछ पता नहीं चल सका है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि चीन जो कुछ कर रहा है वो अमेरिका को चुनौती देने के लिए कर रहा है। दरअसल अमेरिका के मुकाबले चीन की समुद्र शक्ति कहीं नहीं ठहरती है। चीन अमेरिका के वर्चस्व को खत्म कर सुपर पावर बनना चाहता है। यही वजह है कि वो अपनी नौसेना की शक्ति को अमेरिकी नेवी से ज्यादा ताकतवर बनाना चाहता है। चीन पहले ही अत्याधुनिक और खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर बना चुका है जिसका नाम है फुजियान। फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर की लंबाई 300 मीटर और चौड़ाई 78 मीटर है। इसका वजन 80,000 टन से ज्यादा है। लंबाई, चौड़ाई और वजन की तुलना में ये अमेरिका के सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड के बराबर है। लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर की संख्या के मामले में चीन अमेरिका से बहुत पीछे है। अमेरिका के पास कुल 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। इसकी तुलना में चीन के पास सिर्फ 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। सैन्य शक्ति के मामले में अमेरिका से पीछे रहना चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को पसंद नहीं। यही वजह है कि वो तेजी से एयरक्राफ्ट कैरियर और खतरनाक युद्धपोत बनवा रहे हैं। चीन की ताकत जिस भी दिन अमेरिका से ज्यादा हो जाएगी वो सुपर पावर से डरना छोड़ देगा और समुद्र में अपनी विस्तारवादी योजना को नया आकार और प्रकार देगा।